गुड आफ्टरनून टू आर स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम। लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर। टुडे माय लेक्चर टॉपिक ऑन एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मीन्स एसिस्ट। एसिस्ट मीन्स विरोध। एंटागोनिज्म को एसिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मीन्स होता है विरोध करना। कहीं कहीं एंटागोनिज्म मीन्स शत्रु, इनिमीज, शत्रु के नाम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंटागोनिज्म इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच रिलेटेड फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दे आर जनरली पुट अप इन फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन द कोर्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो आई हैव प्रेजेंट लेक्चर टॉपिक in front of you. This is a most important topic regarding unsolved question paper. So all student very carefully attend live class and write down materials on notebook. So let me start. What is antagonism? Antagonism, a type of symbiosis that is living together of two unlike organisms, in which one organism is harmed by other organism, either by the latter being parasite or predators, on former or through competition for food in short supply, or through secretion of certain toxic substance. Means ये हुआ कि antagonism को हिंदी में हम विरोध करते हैं या शत्रु कहते हैं। विरोध इसका नाम जो है वाटर के शॉर्ट सप्लाई के आधार पर एक दूसरे में विरोध पैदा होता है, और शत्रु इसलिए कहा जाता है कि उस वाटर सप्लाई के उपरांत एक ऑर्गेनिक दूसरे ऑर्गेनिक पे टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रेट करके किल करता है। तो ये किल करने का प्रोसीजर दो तरीके से होता है, सेक्रेशन ऑफ टॉक्सिकल सब्सटेंस, फिर उसके बाद या तो पैरासाइट के रूप में उस पर काम करता है या तो फिर प्रीडेटर। प्रीडेटर का मीन्स होता है कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक दे आर पैरासाइटिंग अनदर ऑर्गेनिक, आफ्टर पैरासाइटिंग दे आर किल एंड ईट। This type of organism or microorganism is called predators. तो यहां पे बिल्कुल concept clear हो गया कि antagonism एक type of symbiosis, सहजीविता का एक प्रकार होता है। सहजीविता का एक प्रकार होता है antagonism, और इस antagonism में दो जीव आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे से अनजान होते हैं। मीन्स टू अनलाइक ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिल करके भोजन के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करने के बाद एक दूसरे के ऊपर पैरासाइटिंग करते हैं, इसके बाद एक दूसरे किल करके खा जाते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं एंटागोनिज्म। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एंटागोनिज्म
एक सहजीविता का प्रकार है जिसमें दो अनलाइक ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद एक ऑर्गेनिज्म दूसरा हार्मफुल नेचर का होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल नेचर का होता है। मींस एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है और हार्मफुल होने के उपरांत मेन वजह यह होता है कि भोजन के लिए एक दूसरे में कंपटीशन। तो ये भोजन के लिए कंपटीशन इसलिए होता है कि भोजन का जो सप्लाई होता है बिल्कुल शॉर्ट होता है, कम होता है और ऑर्गेनिज्म दो होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के लिए हार्मफुल होता है और उसको किल करके ईट कर जाता है। तो किल करके ईट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम प्रेडेटर नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को हम एंटागोनिज्म के नाम से जानते हैं। सो यहां पे एंटागोनिज्म का कांसेप्ट मैंने आपके बीच में रखा। एक बार फिर से हिंदी में मैं बता देता हूं कि एंटागोनिज्म जो है दो अनलाइक ऑर्गेनिज्म का सहजीविता होता है जिसमें भोजन के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है और भोजन के कम सप्लाई के उपरांत वो दूसरे के ऊपर पैरासाइट के रूप में काम करता है। आफ्टर पैरासाइटिज उसको किल करके खा जाता है, ईट कर जाता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हम एंटागोनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सम एग्जांपल आई हैव गिव इन फ्रंट ऑफ यू इन केस ऑफ एंटागोनिज्म। दैट इज फर्स्ट एस्परजिलस एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन पेनिसिलिन। दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच रिलेटेड एंटागोनिज्म। मींस एस्परजिलस जो पेनिसिलिन के ऊपर इफेक्ट करके उसको किल करता है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिज्म ट्राइकोडर्मा इफेक्ट ऑन एक्टिनोमाइसिटीज। सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज थर्ड सीडोमोनास इफेक्ट ऑन क्लेडोस्पोरियम। तो सब एग्जाम्पल आई हैव प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इन केस ऑफ एंटागोनिज्म। So I think all students which have understand in case of topic of antagonism and their example. This is most important topic. So very sincerely attend my class and write down a notebook to the final examination preparation. Any query regarding them? Please write comment on comment box or contact me my cell phone number at the time of 5 to 7 in evening. So thank you. That's all.